हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और वेलकम है आपका टीचिंग रिजल्ट गुरु में। देखो, आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं किस चीज का। हम करने वाले हैं आपके एसएसटी का सिलेबस, कि हम क्या देखेंगे एसएसटी में, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसका आपका सिलेबस आता है। जैसे आपकी हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स हो गई, या फिर आपकी ज्योग्राफी होगी। तो आज हम करेंगे इनका प्रॉपर तरीके से डिस्कशन सिलेबस का। साथ में हम ये देखेंगे किसके लिए कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं एसटेक लेवल 2 के लिए, कि जो आपका एसएसटी का सिलेबस है उसमें आपका क्या क्या आता है और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आज हम करेंगे अच्छे से डिस्कशन। साथ में ये भी बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको पढ़ना है, वो भी चीजों का हम क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। याद रखना, आज के अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं एसएसटी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन। देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखो, मैंने पहले बताया आपको क्या आते हैं उसमें। एक तो आपका क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया। क्या आते हैं आपके एसएसटी में? एक तो आपकी हिस्ट्री हो गई, दूसरी आपकी पॉलिटी हो गई, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, और आपकी कौन सी होगी, वो आपकी क्या होगी, ज्योग्राफी। ये क्या हो गए, ये आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं जो किस में आते हैं, ये आते हैं आपके एसएसटी में। चलो शुरुआत करते हैं हम किससे, आपके हिस्ट्री से। देखो, हिस्ट्री आपकी तीन तरीके की होती है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री में आपके कौन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और कौन से आपके सिलेबस में मेंशन। देखो कौन सी है, पहला क्या हो गया, पहला हो गया हमारा आईबीसी। हमें क्या पढ़ना है, हमें देखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कि आईबीसी क्या थी, कौन कौन सी आपकी साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो देखनी है। फिर उनका देखेंगे टाउन प्लानिंग कैसी थी उनकी, वो सारी चीज। तो हम उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पूरा पढ़ना है आपका आईबीसी के बारे में। फिर हमें क्या पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है वैदिक पीरियड एंड लिटरेचर के बारे में, कि वैदिक पीरियड में क्या था आपके, ऋग्वेदा, ऋग्वेदा क्या थे आपके, लिटर वेदा आपके क्या थे, अथर्व वेदास क्या थे, साम वेदास क्या थे, वेदास बारे में पढ़ना। फिर हमें पढ़ना है कि उनका लिटरेचर कैसा था, ठीक है, वो देखना। फिर हमें क्या देखना है, मॉडर्न पीरियड के बारे में देखना और गुप्ता मॉडर्न अंपायर के बारे में, मतलब गुप्ता पीरियड कैसा था, मॉडर्न पीरियड था तो कैसा था, उसका प्रशासन कैसा था। अशोका के बारे में पढ़ना है कि अशोका ने कैसे प्रशासन किया, वो देखना है। फिर हमें देखना है कि गुप्ता अंपायर जो आया तो उसका प्रशासन क्या होता है। देखो, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपकी दो चीज। पहले तो ये होती है कि आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि हाँ किसकी कौन सी टाइमलाइन है, कि अगर उस टाइम कोई कोई इंडस्ट्री, कोई आपकी डायनेस्टी नॉर्थ में थी तो उसी टाइम पे आपकी साउथ में कोई डायनेस्टी थी या नहीं थी, या फिर वर्ल्ड में कुछ और चल रहा था तो नहीं। तो दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो होता है आपकी टाइम प्लानिंग, आपको क्या पता होना चाहिए आपकी टाइम प्लानिंग की, टाइम प्लानिंग क्या है, टाइम प्लानिंग। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा होता है आपका प्रशासन। आप कोई भी कुछ भी पढ़ो और आपको कोई भी आप डायनेस्टी पढ़ रहे हो, कोई भी अंपायर पढ़ रहे हो, तो क्या होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसका प्रशासन पता होना चाहिए कि वो उन्होंने कैसे आपका काम किया। तो क्या है इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो आपकी टाइम लाइनिंग पता होनी, दूसरा क्या हो गया आपका एक प्रशासन। तो वो हमको यहाँ पे पढ़ना है मॉडर्न टाइम में भी और गुप्ता पीरियड के टाइम पे भी, कि उनका प्रशासन कैसा था। फिर हमें क्या देखना है, देखो फिर हम आते हैं अर्ली मिडवल इंडिया में। हम फिर कहाँ आते हैं, हम आते हैं अर्ली मिडवल इंडिया में। इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे जो आपके राजपूत थे और जो कि आपके अदर किंगडम, जैसे कि हम देखेंगे पाल डायनेस्टी के बारे में, हम देखेंगे राजपूत के बारे में, कि राजपूत आज क्या थे, पाल डायनेस्टी आई वो क्या थी। फिर हम देखेंगे कि आपकी मालवा में कौन सी डायनेस्टी थी, दिल्ली में आपकी पृथ्वीराज चौहान थी तो उन्होंने क्या शुरुआत की। तो हम देखेंगे अर्ली जो मिडवल टाइम था उसमें कौन कौन से आपके राजपूत थे और साथ में अदर कौन कौन सी किंगडम थी, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा एंशियंट हिस्ट्री का, अब आते हैं मिडवल हिस्ट्री पर। मिडवल हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या हमें पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में, कि वहां पे आपकी स्लेव डायनेस्टी आई, फिर आपकी खिलजी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी आई, लोदी डायनेस्टी आई, फिर आपका क्या है, फिर आपका आया मुगल पीरियड, ठीक है, क्या है आपका मुगल अंपायर। तो यहाँ तक यहाँ क्या पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है इनका प्रशासन और देखने हैं कौन कौन से आपकी डायनेस्टी आई है और किस डायनेस्टी के कौन कौन इंपॉर्टेंट आपके सुल्तान थे, वो देखना है। फिर देखो आते हैं, फिर हम आते हैं आपके मुगल अंपायर में। जैसे आपका बाबर आए, बाबर ने क्या किया, लोदी डायनेस्टी में पानीपत के आपका फर्स्ट वॉर में हरा दिया इब्राहिम लोदी को, और शुरुआत किसकी कर दी, शुरुआत कर दी आपकी मुगल अंपायर की। तो देखते हैं मुगल अंपायर में, देखेंगे मुगल अंपायर का क्या प्रशासन था, मुगल अंपायर कैसे इंडिया में इतने लंबे टाइम तक रूल किया, अकबर ने अच्छे क्या अच्छे काम किए, या फिर शाहजहां ने आर्किटेक्ट में कौन से अच्छे काम किए, तो हम सब कुछ देखेंगे कहाँ पे, मुगल अंपायर में। आप देखो कहाँ आते हैं, फिर देखेंगे रीजनल किंगडम, मतलब कि आपकी जब मुगल अंपायर डिक्लाइन हुई, ठीक है, कैसे आपका जब आपकी सेंट्रल पावर डिक्लाइन हुई तो रीजनल पावर आई, वो कौन कौन सी, आपकी अवध हो गई, हैदराबाद हो गई, ठीक है, आपकी बंगाल में हो गई, तो ये कौन कौन सी रीजनल पावर थी जो इंपॉर्टेंट थी, हमें वो पढ़नी, रीजनल पावर, रीजनल किंगडम। फिर देखेंगे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के बारे में, कि क्या आपका भक्ति मूवमेंट था और क्या आपका सूफी मूवमेंट था। तो हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के बारे में, ठीक है, क्या आपका भक्ति मूवमेंट है और क्या आपका सूफी मूवमेंट है। फिर देखो आते, ये हो गया आपका मॉडर्न, ये हो गया आपका मिडवल और ये हो गया आपका एंशियंट। आप देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, वहां हमको क्या पढ़ना है, देखो वहां से हमें क्या पढ़ना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है, कि वो कैसे इंडिया में आई,
और कैसे उसने पहले वो ट्रेडर की तरह काम करी, फिर कैसे उसने पॉलिटिकली हम पे रूल किया, है ना, तो वो देखना है। फिर देखेंगे उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से लगा के जो हमारा रिवोल्ट हुआ था उसके बाद 1947 तक, क्या हमारे हमारी क्या हमारी कांग्रेस बनी बीच में, ठीक है, बहुत सी हमारे पत्रकार आए, हमारे बहुत सी आपकी मैगजीन्स आई, तो कैसे हमने स्ट्रगल किया है वो हम सब देखेंगे कहाँ पे इसमें पीरियड में। फिर देखेंगे कि आपके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म कौन कौन से, जैसे आपका ब्रह्म समाज आया, आपका आर समाज आया, ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट समाज थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसके लिए, भारत को आजादी दिलाने में। फिर देखेंगे भारत आजाद हो गया और आजाद होने के बाद क्या हो गया, भारत के पार्टीशन हो गए, एक इंडिया बना और एक आपका पाकिस्तान बना, तो देखेंगे कि आजाद कैसे हुआ है, ठीक है, माउंटबेटन प्लान था वो आजाद कैसे किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें प्रोविजन थे वो देखेंगे, फिर आपका इंडिया क्या हो गया, आपका पार्टीशन हो गया, तो ये क्या होगा, ये हमने तीनों पढ़ लिए, मॉडर्न मिडिवल एंड इंडिया। यहाँ इसमें आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आ रही है, याद रखना है, यहाँ पे आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं। आप देखो आते हैं ज्योग्राफी पे, अब देखो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, क्या पढ़ना है, पढ़ना फिजिकल जो, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है अर्थ का स्ट्रक्चर क्या होता है और अर्थ के लैंडफॉर्म कैसे बने, मतलब अर्थ का अंदर का इंटीग्रल क्या है, आपका स्ट्रक्चर कैसे है। फिर हमें देखना है कि क्लाइमेट और वेदर कंडीशन कैसी है, कि क्लाइमेट कैसे बन होते हैं आपका, वेदर में डिफरेंस, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है वो देखना है। नेचुरल रिसोर्स क्या है आपके, जैसे वाटर, सॉइल, मिनरल, जैसे कि इंडिया में कौन कौन सी सॉइल है आपकी, जैसे कि आपकी ब्लैक सॉइल हो गई, एलुवियल सॉइल हो गई, रेड सॉइल हो गई, ये कहाँ, जैसे मिनरल में आपकी कोल हो गया, ठीक है, आपकी मैगनीज हो गई, आपकी यूरेनियम हो गई, ये सारे बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। फिर आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, हम देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है किसके बारे में, पॉपुलेशन डायनामिक्स के बारे में, कि आपकी जनसंख्या गतिशीलता क्या है, कैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई, एक टाइम पे पॉपुलेशन आपकी कम थी फिर एकदम से बढ़ना शुरू हुई और अभी भी बढ़ रही है या फिर डिक्लाइन हो रही, तो हमें क्या देखना है उसके डायनामिक्स देखने हैं, ठीक है, कैसे वो बढ़ रही है, कैसे वो कम हो रही है। फिर देखने माइग्रेशन पैटर्न, कितने लोग माइग्रेट होकर इंडिया में आए या फिर कितने लोग माइग्रेट होकर बाहर गए, तो हमें क्या देखना, हमें देखना उसका माइग्रेशन पैटर्न, क्या देखना, हमें देखना उसका माइग्रेशन पैटर्न। फिर हमें क्या देखना, फिर देखना अर्बनाइजेशन सेटलमेंट, कैसे लोग शहरों में आए, किस तरीके से लोग गांव से उठ के शहरों में आए, उसका पैटर्न क्या था, ये हमें देखना है। और हमें देखना है कि बसावट किस हिसाब, किस पैटर्न पे आके वो शहर में बसे, ठीक है, ये हमें देखना है किसमें, ह्यूमन ज्योग्राफी में। अब देखो क्या है, अब देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, क्या देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, यहाँ पे क्या देखना है, हमें देखना है फिजिकल फीचर ऑफ द इंडियन, माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, प्लेन्स, की आपका हिमालयन माउंटेन है कैसे बना है, कहाँ कहाँ से बना है, कितने टाइप्स में आपके डिवाइड हुआ माउंटेन्स वो देखना है, कौन कौन सी रिवर है आपकी, गंगा रिवर, इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ जा रही है, वो सारी देखी चीजें देखनी। साथ में क्या देखना, प्लेन्स एरिया क्या है, कि आपके कौन कौन से आपके प्लेन एरिया, पहाड़ क्या है, नदियां कहाँ है, मैदान का, ठीक है, ये देखना हमें। फिर हमें देखना क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया, के भारत में कौन कौन से जलवायु के केंद्र, हमें वो देखने। फिर देखना हमें नेचुरल रिसोर्स ऑफ द इंडिया एंड देयर कंजर्वेशन, की कौन कौन से हमें नेचुरल रिसोर्स है, कैसे इंडिया ने उन्हें कंजर्व किया, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स आप टाइगर रिजर्व को देख लो या फिर आप नेशनल पार्क को देख लो, वो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, हमें उन्हें कैसे रिजर्व कर रहे हैं, कैसे हम उसे कंजर्व कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे, ये देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। तो इंडियन ज्योग्राफी भी आपकी आपकी ज्योग्राफी भी तीन पार्ट में है, एक तो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, एक आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई और एक आपकी इंडियन ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, ये समझ आ गया। अब आते हैं, देखो अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन पे, कि अब हम देखते हैं पॉलिटिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहला क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है पॉलिटिकल राजनीति के बारे में, कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल राजनीतिक होती क्या है वो पढ़ना है, समझाना है, हमें देखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखना क्या, हमें देखना है प्रियम्बल क्या होते हैं, प्रियम्बल में क्या लिखा है, प्रियम्बल आपका कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, प्रियम्बल में क्या क्या चीजें मेंशन की गई वो देखना है। फंडामेंटल राइट्स देखने हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज देखनी है कि कौन कौन सी हमारी ड्यूटीज है। फिर हमें देखना है डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी के बारे में देखना है कि कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। और हमें देखना है स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि कैसे कैसे आपका गवर्नमेंट फॉर्म होती है और कौन कौन से उनके फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपकी कार्यपालिका विधानमंडल क्या काम करती है, आपकी कार्यपालिका क्या काम करती है और आपकी न्यायपालिका क्या काम करती है, ये देखना है। फिर हमें देखना है पॉलिटिकल थ्योरीज, बहुत सी आपकी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, तो किस पॉलिटिकल थ्योरीज में आपको क्या चीज लिखी है, ये हमें देखना है पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में। तो फिर क्या देखना है, फिर हमें देखना डेमोक्रेसी होती क्या, उसका मीनिंग क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इंडिया में क्या है, इंडिया में आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो क्या होती है, दोनों दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो देखेंगे। फिर देखेंगे सेकुलरिज्म क्या होता है, मतलब आपका आपका धर्म निरपेक्ष, की इंडिया में कोई धर्म नहीं किसी आपकी स्टेट का, उसी तरीके देखेंगे कि डिफरेंस, एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म होता है, एक नेगेटिव होता है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। सोशलिज्म समाजवाद क्या होता है आपका, वो हम देखेंगे। साथ में देखेंगे फेडरलिज्म क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, कि हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं, पावर आपके एक लेवल पे थी, फिर दूसरे लेवल पे, फिर तीसरे लेवल पे, हमने क्या किया, पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देखो क्या होता है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट थी, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो हमने क्या किया, पावर को
डिसेंट्रलाइज किया, पावर को हमने क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि आपने पावर को टुकड़ों में बांट दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या देखें, फिर देखेंगे नागरिकता क्या होती है, नेशनलिज्म क्या होता है, और आपका सांप्रदायिकता क्या होती है, नेशनलिज्म क्या होता है, सांप्रदायिकता क्या होती है, हम सारे बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे आपको आईआर भी पढ़ना है, आईआर में क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो देखो आपके नेबर्स कंट्री कौन कौन सी, वो भी पढ़नी हमें। फिर हमें देखना है यूएन कैसे बना है, वो देखना है, यूएन के बारे में पढ़ना है, साथ में पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से और भी संगठन थे जो बाद में बने हैं, डब्ल्यूटीओ बना है आपका, यूएनडीपी बना है, तो हमें उनके बारे में भी देखना है, ठीक है। फिर देखना है आपकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किसके साथ कैसी है, मतलब इंडिया की विदेश नीति जो बाकी नेबर्स कंट्री के साथ वो कैसी है, या फिर आपके यूएसए के साथ कैसी, ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसी, या वेस्टर्न के साथ कैसी, ईस्टर्न के साथ कैसी, तो हम सारी पॉलिसी देखेंगे यहाँ पे कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है वो किसके साथ कैसी है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। देख लिया हमने पूरा आपका पॉलिटिकल साइंस, अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है। देखो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने आपके इकोनॉमिक्स के, कि आपको क्या है मूल अवधारणा, कि बेसिक इकोनॉमिक्स होती क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिस इन्फ्लेशन क्या होता है, जो आपकी जीडीपी क्या होती है, आपकी नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो हमें क्या पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर देखो क्या पढ़ना है, हमें देखना इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, क्या हमें आपके तीन तरीके के सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक आपका टर्सरी होता है। प्राइमरी में आपकी एग्रीकल्चर आती है, सेकेंडरी में आपकी इंडस्ट्री आती है, थर्ड टर्सरी में आपकी क्या आती है, सर्विस आती है, टर्सरी में क्या आती है, आपकी सर्विस आती है। फिर आप देखेंगे मनी एंड बैंकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है वो होता है आपका मनी एंड बैंकिंग। इसमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, आरआर क्या होता है, बैंकिंग कैसे काम करती है, सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे, वो हम देखेंगे मनी मल्टीप्लायर में, कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे, मनी मल्टीप्लायर में। आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया में जो आपके 5 ईयर प्लान आए हैं वो सारे 5 ईयर प्लान देखेंगे, हम देखेंगे कैसे वो 5 ईयर प्लान बने, कैसे हमारे देश में डेवलपमेंट शुरू हुआ। फिर देखेंगे 1992 में जो आपका एलपीजी आया उसके बाद के में क्या रिफॉर्म है वो देखेंगे। फिर देखेंगे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स में हमने क्या क्या चीजें की वो देखेंगे। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी पॉलिसीज आई इंडस्ट्री को लेके, कि हमें इंडस्ट्रीज को बढ़ानी उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज है वो देखेंगे। साथ में देखो हमें क्या देखा, हमें देखना है कि पॉवर्टी जो इंडिया में थी उसके लिए हमने कौन कौन से रिफॉर्म किए हैं, तो आपको बहुत सी पॉवर्टी कमेटीज बनी है और गवर्नमेंट ने बहुत से पॉवर्टी के लिए रिफॉर्म किए, तो रिफॉर्म क्या है, पॉवर्टीज कमेटी क्या है। फिर हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और इंडिया में अभी कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट चल रहे हैं, और कैसे इंडिया ने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश की, तो देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एंड हम देखेंगे पॉपुलेशन, कैसे इंडिया की पॉपुलेशन डे बाई डे क्या कर रही, ग्रोथ कर रही, ठीक है, ये हम देखेंगे आपका। और देखो क्या देखेंगे, अब ये सोशल साइंस का ही देखो, इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे, अप्रोचेस देखेंगे मेथड्स के, कि कैसे कैसे आपके मेथड के अप्रोचेस हैं। फिर देखेंगे सोशल स्टडीज के बारे में, ठीक है, देखेंगे टेक्निक्स के बारे में, और देखेंगे एजुकेशन द क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। ये हमने देखो पूरा कर लिया है आपके एसएससी का सिलेबस कंप्लीट, के एसएससी में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपकी क्या ज्योग्राफी, साथ में आपका क्या है पेडोलॉजी जो होता है ये पढ़ना है। तो आप ये हमने पढ़ लिया पूरी तरीके से सिलेबस, अब हम देखते हैं कि आप बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या। अगर मैं आपसे बोलूं कि हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए तो हाँ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, पॉलिटी के लिए भी आपको एनसीईआरटी या तो फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, या ज्योग्राफी के लिए आपको 6 से लगा के 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की भी एनसीईआरटी आती है, जहाँ पे मेंशन किया उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी की भी आती है, और साथ में आपकी क्या है वर्ल्ड ज्योग्राफी बारे में उन्होंने पूछा नहीं है तो आपको पढ़नी चाहिए। साथ में क्या है बच्चा आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा उन्होंने, वो भी आपको एनसीईआरटी से करेंगे तो कर लेंगे। पर देखो एनसीईआरटी पढ़ने के भी तरीके होते हैं कि आप ऐसे भी उठा के कुछ भी एनसीईआरटी से नहीं पढ़ सकते, एनसीईआरटी भी बुक होती है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वहां से आपको कैसे पढ़ना, तो उससे लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम आपकी तैयारी करवाएंगे, जो आपके सिलेबस में मेंशन है वही आपको पढ़ाए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपके नोट्स बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्लासेस को लेक्चर, जो आपकी क्लासेस होंगी उसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाएंगी। तो हम पूरी तरीके से फोकस करने वाले हैं, उसमें आपके एनसीईआरटी की बुक्स भी काउंट होंगी, जो भी आपके आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन वो भी काउंट होगी, तो आपको अलग से एनसीईआरटी नहीं करनी पड़ेगी, और आपको ये भी नहीं करना कि आपको अलग से क्या स्टैंडर्ड बुक को करना है, तो ठीक क्या करेंगे हम इसी अपनी ही क्लास में आपको एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से और जो स्टैंडर्ड बुक है वो अच्छे से करा देंगे। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे रिजल्ट गुरु के साथ। देखो यहाँ पे आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों की तैयारी हो रही है आपको बहुत अच्छे तरीके से, तो हम आपकी स्टार्टिंग से शुरुआत करवाएंगे, और आपके जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे, और आपको फिर कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी ना,
फिर आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। बट हाँ, ये है कि आपको कोई अलग से बुक अच्छी नहीं पढ़नी पड़ेगी कि हाँ एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़नी, वो आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप अच्छे से जुड़ के हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो आप क्या करो, आज ही रिजल्ट ग्रुप को इंस्टॉल करो। वहां पे आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे हमसे कॉल कर सकते हैं। और आप रिजल्ट गुरु के एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। आप एक बार जाओ, डेमो क्लासेस को देखिए, फिर आपको खुद लगेगा कंटेंट कैसा है। सेटिस्फाई आप हो जाएंगे उस कंटेंट से, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। मैंने बता दिया आपको सिलेबस के बारे में और हमें भी बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, फिर अब मिलेंगे किसी और दिन किसी और चीज के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।